करते हैं, आप एक्साइटेड हो जाते हैं, जब प्रोसेस खत्म हो जाता है एक्साइटमेंट लेवल एकदम से डाउन जाती है। हमारे टाइम पे वो सीडी कैसेट बड़ी मुश्किल से अरेंज हुआ करती थी। 30 के बच्चे के हाथ में फोन है विच इज लाइक टाइप करा और मून मंत्र चैंट करता हूँ, बिकॉज एज पर साइंस ऑल्सो क्या होता है, जब अमावस्या होती है या न्यू मून डे होता है उस दिन स्ट्रिक्ट NPP विच इज नो फोन पॉलिसी। जब भी आप वॉशरूम में जाते हैं ऑब्वियसली आप अकेले ही मास्टरबेट करेंगे, अपने फैमिली के सामने तो नहीं, बिल्कुल। Hi guys, welcome back to my channel. This is Karron S Dhinggra, your own the formaledit. आज हम बात करने जा रहे हैं क्या मास्टरबेशन हार्मफुल है, क्या वो कोई सिन या पाप है। ऐसा नहीं है, हम पहले भी मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ बात कर चुके हैं, लेकिन ये नो फैप रेवोल्यूशन के बारे में बात होती है, क्या वो सिर्फ एक हाइप है या उसमें कुछ भी सच्चाई है। अगर वो सच्चाई है तो मैं एक महीने से कर रहा हूँ, क्या कुछ इफेक्ट आता भी है उससे या नहीं। अगर इफेक्ट आता है तो इसको कैसे करे कंट्रोल, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, सो वॉच दिस वीडियो। लाइफ में बहुत सारे स्टेजेस आते हैं, सबसे पहले बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोनल आपके प्यूबिक हेयर आ रहे हैं, बॉडी को फिजिकली बायोलॉजिकली आपके एक्सप्लोर कर रहे हैं। उसके बाद आता है आपका ऐसा स्टेज जिसको पैशनेट स्टेज कहते हैं, लाइफ में पैशन फॉलो करने का टाइम, एंड ऑल्सो आपका टेस्टोस्टेरोन पीक पे, मतलब आप डाइवर्ट होने के सबसे ज्यादा चांसेस है मास्टरबेशन की तरफ, आप अपना ज्यादा टाइम एनर्जी वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आती है ऐसी स्टेज रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है, आप नई लाइफ को रिक्रिएट करते हैं। उसके बाद आती है एक ऐसी स्टेज जब आपको लगता है लाइफ में मास्टरबेशन एंड सेक्स के अलावा भी बहुत कुछ है। लास्ट इज द स्टेज जब सिर्फ ये बातें हो सकती है एंड फिजिकली पॉसिबल नहीं। सुनील, आजकल के बच्चे तो ऐसे ही खुश होते हैं, जब वो मैं 22 साल का था, वो सुनीता है ना कॉलेज वाली लंबे बाल वाली, उसका भाई घर पे था। शर्मा जी बहुत नॉटी हो रहे हो आप। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज कौन सा है, विच इज पैशनेट, आपकी और मेरी जो एज है, मतलब मेक इट और ब्रेक इट, करियर वो मांग रहा है, आपका माइंड मांग रहा है, एनर्जी मांग रहा है और आपका टाइम मांग रहा है, और वहीं का आप मास्टरबेशन में दे रहे हैं, सो आपका वो करियर में सक्सेस नहीं मिलेगा, वो रिग्रेट रहेगा पूरे टाइम। इसीलिए बैलेंस का कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर आप बैलेंस नहीं बना पाते तो नो फैप कम्स इन टू द पिक्चर, वो डिसिप्लिन में लाता है और आपको हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मीठा खाना बहुत पसंद है और घर पे ओरियो पड़े हैं, आपको मना करा गया कि ज़्यादा ओरियो मत खाओ, स्कूल जाते हो तो ध्यान ही नहीं रहता, एक आध खा लिया, लेकिन घर पे एम्पल टाइम है, पूरे टाइम खाली रहते हो तो एक खा लिया, मज़ा आ गया, एक और मतलब करके करके पूरा पैकेट खत्म कर दिया। एक खाओगे तो बॉडी पे भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बैलेंस बना हुआ है, पूरा खाया तो खाया भी, पेट भी खराब हुआ, स्किन भी खराब होने के चांसेस, और उसके बाद वो रिग्रेट भी करोगे, वो मेंटली भी प्रॉब्लम होगी। दैट इज व्हाई बैलेंस इज इंपॉर्टेंट। बोलना बहुत आसान लगता है, वीडियो में बहुत आसान लगता है, लेकिन रियल लाइफ करना, अपनी अर्जेस पे कंट्रोल उतना बैलेंस इतना ईजी नहीं है। दैट इज व्हाई नो फैप कम्स इन द पिक्चर, बैलेंस नहीं बनाता लेकिन आपको एक डिसिप्लिन पे ट्रैक पे लाता है, जिससे आपको एक डिटॉक्स मिलता है थोड़े दिन के लिए, एक पॉजिटिविटी आती है दैट यस You can control so that एक बेस बन जाए। अब क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का जमाना है, मतलब ज्यादा टाइम मतलब आपका ध्यान डाइवर्ट होगा, बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए बिजी रहेंगे। इसके अलावा बार बार कॉल करके नहीं बोल सकते अपने टीचर्स को कि प्लीज कॉलेज खोल दो या स्कूल खोल दो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक्सेसिबिलिटी, दिस मीन्स आ गया हाथ में, और क्या हमारे टाइम पे वो सीडी कैसेट बड़ी मुश्किल से अरेंज हुआ करती थी, और इंटरनेट इतना स्लो होता था कि सचिन तेंदुलकर स्कोर जानने के लिए रिफ्रेश करो तब आता था, जब उसकी स्कोर की इनिंग्स खत्म हो जाती थी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 के बच्चे के हाथ में फोन है विच इज लाइक टाइप करा। So, एक शॉकिंग फैक्ट है कि 70% ऑफ द कंटेंट ऑन इंटरनेट इज पॉर्न। थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, लेकिन लोग खुशी के लिए वो डोपामीन और सेरोटोनिन किक जो मिलता है 10-15 सेकंड के लिए, वो डिपेंडेंट हो गए इस कंटेंट के ऊपर। अब इस कंटेंट पे डिपेंडेंट होने से क्या होगा, आप वो डेली देखेंगे बोर हो जाएंगे, वो आपको एक्साइटमेंट लेवल खत्म हो जाएगा, फिर और टाइम इन्वेस्ट करेंगे कुछ नया ढूंढने में, जिससे आपको किक मिलने लगे, टाइम और एनर्जी और वेस्ट होगा और ढलते चले जाएंगे इसके अंदर। सो बेटर इज वॉट, थोड़ा फास्ट करिए, फास्ट का मतलब नो फैप, जिससे आपका एक्साइटमेंट लेवल ऊपर रहे। बहुत लोग कहते हैं नो फैप से टेस्टोस्टेरोन लेवल यहाँ चला जाता है, कई स्टडीज कहती है 35-45% जाता है, कई कहती है बिल्कुल नहीं जाता, कई कहती है हफ्ते के लिए किक होता है बाकी बैक टू द नॉर्मल आ जाता है। लेकिन इट्स प्रूवन फैक्ट कि अगर आप ये डाइट और ये वर्कआउट्स रखेंगे तो जल्दी आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा और इफेक्टिवली बढ़ेगा। तो कई लोग बोलते हैं इसी एकदम से बॉडी बन जाती है क्या, स्किन क्लियर हो जाती है नो फैप करने से, या बाल वापस आ जाते हैं अगर हेयर लॉस हो रखा है, तो आंसर है बिल्कुल नहीं। द मेन थिंग इज जो मैं आपको अब बताऊंगा। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, आपको मेंटल मोटिवेशन मिलेगी, वो कैसे, जब भी आप इस प्रोसेस के अंदर जाते हैं, आप सर्च करते हैं, आप एक्साइटेड हो जाते हैं, जब प्रोसेस खत्म हो जाता है एक्साइटमेंट लेवल एकदम से डाउन जाती है, रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं एकदम से, तो वापस एक्साइटमेंट चाहिए होती है, तो उस प्रोसेस को रिपीट करने की कोशिश करते हैं, वापस मास्टरबेट करते हैं, तो वो एक चेन बन जाती है, वो एडिक्शन स्मॉल चेन आती है, इसलिए दिमाग
दिमाग में गिल्ट आता है यार, इससे अच्छा तो मैं पढ़ लेता, इससे अच्छा तो मैं ये काम कर लेता, मैंने तो बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, वो एक गिल्ट आएगी अगर. लेकिन आप नो फैप करेंगे तो ये जो आपका मेंटल गिल्ट है वो बहुत ईजिली चला. कोई भी चीज़ करनी हो, डाइट करनी हो, सिगरेट छोड़नी हो, शराब छोड़नी हो, यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर. विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो आप अपनी सेक्सुअल अर्ज पे भी कंट्रोल कर सकते हैं. लेकिन सबसे मुश्किल होता है अपनी सेक्सुअल अर्ज को कंट्रोल करना, इसीलिए नो फैप इज द बेस्ट वे टू गेट अ कंट्रोल ओवर इट. अगर आपने ये करा, अगर आपकी विल स्ट्रांग होगी, देन यू हैव हाई चांसेस ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ. क्योंकि आप एनर्जी इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे तो अपना बैलेंस मिलेगा लाइफ का, जहां पे एनर्जी देनी है वहां देंगे एंड एक फोकस बना रहेगा. अगर आपका भी नो फैप कुछ ही घंटों में टूट जाता है, सो दीज पॉइंट्स आर एप्लीकेबल फॉर यू. नंबर वन इज स्ट्रिक्ट एनपीपी, विच इज नो फोन पॉलिसी. जब भी आप वॉशरूम में जाते हैं, ऑब्वियसली आप अकेले ही मास्टरबेट करेंगे, अपने फैमिली के सामने तो नहीं, बिल्कुल फोन ना लेके जाइए. बिकॉज एज पर द स्टडीज 78% ज्यादा इंस्टिगेट करता है फोन और सोशल मीडिया टू मास्टरबेट. सो मून मंत्र, ये मैंने पर्सनली अप्लाई करा, कई लोग मानते हैं कई लोग नहीं मानते, बट मून क्या होता है, बेसिकली आपका मन. मन फ्लक्चुएट्स अलॉट, इमोशनल स्विंग्स, मूड स्विंग्स और आपका विल पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो मैं मून मंत्र चैंट करता हूँ बिकॉज एज पर साइंस ऑल्सो क्या होता है, जब अमावस्या होती है या न्यू मून डे होता है उस दिन आपके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं. सो ट्राई चैंटिंग मून मंत्र. रेप्यूटेड ब्रांड की वाईफाई लीजिए, क्योंकि वो जो इंडियन लॉ के साथ कंप्लाई जरूर करेंगे. एयरटेल हो गया, एमटीएनएल होगा, वो पोर्न साइट्स को ब्लॉक करके रखेंगे. लोकल वाईफाई जो हर एरिया के होते हैं, अगर वो लगा के रखेंगे तो ऑप्शंस रहेंगे. अगर ऑप्शंस ज्यादा है तो आओ बाथरूम चले. सोशल मीडिया बहुत ट्रिगर करता है क्योंकि अब फिल्टर्स बहुत डाउन हो चुके हैं. इस चक्कर में क्या, आई सजेस्ट यू मोटिवेशनल अकाउंट्स हो या ऐसे अकाउंट्स को फॉलो करिए वे यू गेट दैट मोटिवेशन, रादर देन जो अकाउंट्स आपको ज्यादा अराउज कर. सो आपने देखा होगा कि जिस दिन आप बहुत बिजी रहते हैं आपका ध्यान बिल्कुल नहीं जाता, जिस दिन आप वेले होते हैं, आजकल वर्क फ्रॉम होम में तो सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं. तो मेन फंडा क्या है, यू हैव टू स्टे बिजी. एक दिन पहले, रात पहले 5 मिनट बैठ के स्केड्यूल बना ले पूरे दिन का, चाहे घर पे ही हो, गेमिंग कर ली, कोई हॉबी हो गई, जिम जाना है, एंट्रेंस की थोड़ी देर पढ़ाई, किसी के साथ बात करनी है. लेकिन अगर शेड्यूल बना होगा, बिजी होगा, तो आपका ध्यान नहीं जाएगा. जैसे मैंने इस एज में भी लॉन टेनिस ज्वाइन करा, जिससे मेरा माइंड डाइवर्ट रहे, मेरी बॉडी एक्टिव रहे, एंड ऑल्सो अवॉइड एफ्रोडीसियाक फ्रूट्स जो आपको सेक्सुअली अराउज करते हैं, जैसे कि चॉकलेट हो गया, पिकल्स हो गया और ये सारी लिस्ट. आप ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं जो बॉडी में गर्माहट कम करे, जैसे कि पानी हो गया, लेमन हो गया, कोकोनट वाटर हो गया, गोंद कतीरा हो गया. मेडिटेट करें 10-15 मिनट्स के लिए फॉर दैट विल पावर. पसीना निकाले, एंडोर्फिन्स यानी कि फील गुड हार्मोन पैदा होते हैं बॉडी में, जिससे पॉजिटिव एनर्जी आती है और मोटिवेशन मिलती है. YouTube की प्लेलिस्ट, गानों की प्लेलिस्ट या आपकी इंस्टा की फॉलोइंग हमेशा मोटिवेशनल होनी चाहिए. उससे क्या है, एक पॉजिटिव एनर्जी और आपका फोकस बंधा रहता है, आप डाइवर्ट नहीं होते. और बहुत सालों से एक ही शेड्यूल चला रहा है आपका, वो बोर हो चुके हैं सेम शेड्यूल से, कोई नई इंटरेस्टिंग हॉबी एक्टिविटी डाली. जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने लॉन टेनिस ऐड करा है, उससे एक्साइटमेंट लेवल बढ़ता है. नहीं तो जब एक्साइटमेंट लाइफ में बिल्कुल नहीं होगी, पीपल मास्टरबेट मोर, क्योंकि वो डोपामाइन एक छोटे से टाइम के लिए एक्साइटमेंट होती है. मेरा पर्सनल जेन्युइन सजेशन जो रहेगा नो फैप के लिए वो है, क्योंकि नो फैप का जो फर्स्ट हफ्ते का पीरियड होता है, दैट्स द टफेस्ट, क्योंकि इनिशियली रोकना नहीं तो बाद में तो मोटिवेशन मिल जाती है. जब वो वाला पीरियड हो, आप अपनी एक अर्ज को रोक रहे हैं, मार रहे हैं, इसके लिए आप उस टाइम एक्सट्रीम डाइटिंग मत करिए, क्योंकि डाइट करने से भी लोग क्रैंकी होते हैं, तो आप ऑलरेडी बहुत इरिटेटेड रहने लग जाएंगे. सो ईट कंफर्ट फूड, जो दिल कह रहा है, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट वीक हैव दैट. उसके बाद अपने आप बॉडी को आदत पड़ जाती है, हल्की सी मोटिवेशन मिलती है, देन यू थिंक येस यू कैन डू इट. उसके बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, गेट ऑन अ नॉर्मल डाइट, जो स्किन के लिए भी अच्छी हो, हेयर के लिए अच्छी हो, क्योंकि मेंटली यू आर गेटिंग स्ट्रॉन्ग विद नो फैप. एंड अगर आपकी डाइट भी धीरे धीरे इंप्रूव कर देंगे, यू विल गेट अ होल पैकेज ऑफ स्किन, हेयर, बॉडी एंड. सो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट नो फैप. अगर आपको वीडियो में मजा आया हो या जेन्युइन लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलो, और अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करें व्हाट्सएप पे. अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो. प्रोटीन शेक है भाई, कुछ भी.